मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों और जिप्सी चालकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघिन अपने चार शावकों के साथ जंगल में टहल रही थी। जैसे ही वो जुड़ी नाला पार करने को पहुंची, दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सियों ने उसे घेर लिया। इस दौरान बाघिन एकाएक दहाड़ने लगी, ऐसा लगा कि वो हमला कर देगी, लेकिन कुछ देर तक वो अपने बच्चों के साथ इधर उधर भागती दिखी, फिर बाद में जंगल की तरफ चली गई। इस मामले में जिप्सी चालकों और गाइडों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। जो जिप्सी वाले उनके संपर्क में गए हैं, उनको हमने पहचाना है और उनके विरुद्ध निवाशा कार्रवाई की जाएगी। वहीं पहले भी इस प्रकार की लापरवाही उजागर हो चुकी है। बावजूद बाघों के दीदार के लिए यहां हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन जिप्सी चालकों की ऐसी लापरवाही से सैलानियों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। बिहार के बगहा में दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क पर तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सामने आया। वीडियो में तेंदुआ रोशनी से परेशान होकर जंगल की तरफ भागते हुए नजर आया और वहां से गुजर रही गाड़ी में सवार कुछ लोग उसका पीछा कर वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास लक्ष्मीपुर गांव का बताया गया। जानकारी के मुताबिक तेंदुए की चहलकदमी की वजह से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुई। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने कर्मचारियों को सचेत रहते हुए निगरानी का आदेश जारी किया। बताया गया कि हाल ही के दिनों में सड़क पर तेंदुए और बाघ की चहलकदमी बढ़ गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में लंदन ब्रिज फन फेयर मेले में उस वक्त तफरा तफरी मच गई जहां एक बड़ा झूला टूटकर नीचे गिर गया। झूले के टूटते ही मेले में भगदड़ मच गई। हादसे में दो बच्चे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायलों के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से मेला स्थल पर कोई एम्बुलेंस भी नहीं थी और न ही मेले में खामियों को पहले देखा गया। एकदम टूट के नीचे गिर गया झूला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में एक आदमी अपने लाइसेंसी असलाह से आसमान में ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आया। इसी दौरान उसके आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उससे फायरिंग करने से नहीं रोका। मामला मुबारकपुर थाना इलाके का है, जहां एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान वहां मौजूद एक आदमी हवा में फायरिंग करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त देवीलाल यादव पुत्र चंद्रशेखर, जो देवरपुर का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस लाइसेंसी असलाह से फायरिंग की गई थी, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जश्न के दौरान फायरिंग का ये वीडियो पिछले साल नवंबर महीने का है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में घर की छत से कुछ लोग पथराव करते हुए नजर आए। इस दौरान फायरिंग की भी आवाज सुनाई दी। पथराव और फायरिंग की घटना राजपुरा थाना के शाहपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश में एक पक्ष पर महिला ग्राम पंचायत सहायक पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगा। वहीं इस मामले में एक पक्ष ने मारपीट करने और फायरिंग करने का आरोप लगाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दी। साथ ही पूरे मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग की वारदात से इनकार किया।